आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक असमौली के गांव अकबरपुर गहरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 4 किलोमीटर है। 2800 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमांड प्रीतम सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। विकास के पथ पर यह गाँव अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। ग्राम प्रधान और सचिव सत्येंद्र सिंह के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इनके विकास कार्यों से गांव में खुशी की लहर है। अपने एक कार्यकाल में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है यहाँ ब्लॉक असमौली के अकबरपुर गहरा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद की गई है और क्या समस्याएं अभी भी यहाँ इस गांव में मौजूद हैं, किन समस्याओं से ये गांव अभी भी जूझ रहा है, सबके बारे में जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। छोड़ दीजिए, जैसे कि 5 साल लगभग पूरे होने को हैं आपके कार्यकाल के और सभी जानते हैं कि इन 5 सालों में सरकार ने काफी हद तक धनराशि हर पंचायत में ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराई है, तो आपके गांव में किस तरह का विकास कार्य अब तक हो चुका है? हमने 80 रास्ते करा दिए हैं, 2 स्कूल करवा दिए हैं और आगे जो धनराशि आई उसे भी आवास मिले यहाँ लोगों को है। आवास 86 आवास आए हुए हैं और 19 चाला बनवा चुके हैं। 86 आवास हुए हैं, एक ट्यूबलाइट बनवा दिए 350। जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो आपकी ग्राम पंचायत में सभी लोगों को योजना का पूरा पूरा लाभ मिल पाता है? नहीं, कुछ लोग रह गए थे किसान सम्मान निधि में, कुछ लोग रह गए हैं उन्हें भी मिल गया जी। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगी हैं गाँव में? हाँ, वो भी लगी थी। डस्टबिन रखवाए हैं? डस्टबिन भी सुनना है जी। पेंशन मिल रही है सभी को, सभी तरह की जो पेंशन है? पेंशन अभी चालू हुई है, बीच में बंद हुई थी जी। राशन कार्ड में तो किसी की राशन नहीं बने हुए हैं? सभी को राशन बने हुए हैं, 2 बार राशन बच गया है जी। कोई परेशानी ना गाँव वालों को, और हमने भी लॉकडाउन में आप लोगों की मदद करी है। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? साफ सफाई भी बढ़िया है। सफाई कर्मी मतलब रोज आता है रेगुलर नियम से? हाँ, रोज आता है लेकिन छुट्टी में जी। जी जी, छुट्टी में तो जाहिर बात है। लेकिन अभी जैसे मिशन कायाकल्प जो सरकार ने चलाया है, जिसके अंतर्गत स्कूलों में काफ़ी हद तक काम करवाया गया है, स्कूलों की काया पूरी पलट दी गई है, तो आपके यहाँ ग्राम पंचायत में स्कूल में क्या क्या कार्य करवाए हैं? स्कूल में जाकर देख लो, फोटो लेकर जाओ, स्कूल का बढ़िया काम हो गया जी। जैसे जो वहाँ पर मरम्मत की अगर जरूरत थी तो वो भी आपने मरम्मत भी कराई है, रास्ते बनवा दिए, ट्यूबलाइट बनवा दिए, रंग रोग सब बढ़िया है। लॉकडाउन जब रहा था, इसमें रहा था, तो कई परिवार ऐसे थे जिनके आगे बड़ी परेशानियां आई थी, खाने पीने को लेकर भी, काम को लेकर भी, काम का सबका बनता, तो आपकी ग्राम पंचायत में अगर ऐसे परिवार रहे थे तो आपकी उसमें क्या भूमिका रही, किस तरह से आपने योगदान? हमने उनके लिए खाने के लिए गेहूँ की थी, चावल भी दिए हैं काफ़ी लोगों को, जो घर आया उनकी सबकी मदद करी है। आपके आस पास या आपकी ग्राम पंचायत में कोई कोरोना संक्रमित तो मरीज नहीं? कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं। सैनिटाइज 2 बार करवा दिया, अब सैंपल लेवा दिए। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं गाँव में? आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र भी स्कूल में। स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र हुआ पड़ा है, गाँव के लोग बनने नहीं दे रहे। मतलब बनने नहीं दे रहे हैं, कारण? कारण यह है, वो कह रहे हैं मंगल गढ़ की जमीन है, जबकि जमीन मंगल गढ़ भी ग्राम समाज की जमीन होती है, लेकिन वो लोग डबल कर देते हैं, उनके परिवार मोहल्ले में देखी है उसके कमी नहीं। तो इसके लिए आपने कोई कानून से कोई सहायता लेने की कोशिश की? कानून या प्रशासन से कोई शिकायत? हाँ, शिकायत ऐसे के लिए हमने लेटर जारी करा है, जो भी रिश्ता देंगे लोकपाल के लिए भी करा है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल उसके अम्बेडकर पार्क के वो असमली वाला अस्पताल 2 किलोमीटर। समय पर जैसे 100 नंबर या 102 नंबर की सुविधा मिल जाती है लोगों को? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई परेशानी। आप अपने गांव को और ज़्यादा विकसित करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, मतलब कि जैसे एक हर किसी का सपना होता है अपने गांव को ज़्यादा से ज़्यादा विकासशील करने का, तो उसमें क्या आपको लगता है किस तरह की मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं?
सरकार हो बहुत है, पिछले 15 साल से इतना विकास नहीं हुआ जितना हमने अब तक करा दिया। मतलब कोई समस्या आप गांव में ऐसी महसूस करते हैं जिससे जनता परेशान है या कई लंबे समय से उसका जो है हल नहीं मिल पा रहा हो, आप चाहेंगे कि सरकार अगर मदद करे, सरकार की तरफ से अगर कोई सहायता मिले तो उस समस्या को गांव में से सबसे पहले आप किस तरह की समस्या गाँव में? जैसे आवाज है, कितने परिवार अभी ऐसे मिलते हैं? छियासी परिवारों की छियासी के अलावा क्या और परिवार भी हैं जिन्हें आवास की जरूरत होगी जो बच्चे मकानों में रहते हैं? हाँ कुछ परिवार हैं ऐसे जी, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें आवासी और भी जरूरत है। अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है तो काफ़ी लापरवाहियाँ इसको लेकर के बरत रहे हैं, हालांकि कोरोना महामारी खत्म होने के बजाय दिन पर दिन सख्ती नजर आ रही है, तो इसको लेकर अपने ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? हमने ऐसा और पूरी तरह से गांव में जो है लोगों को जागरूक काम करते रहते हैं समय समय पर। और 1921 नंबर है जी जी, वो भी सभी लगवाते हैं लोगों को जी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, बीते इन 4.5 सालों में लगभग समय जो कार्यकाल है पूरा ही हो चुका है। इस कार्यकाल में काफ़ी विकास यहाँ प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, ODF भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। स्कूल में भी कार्यकल्प के अंतर्गत काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लॉकडाउन के समय में भी यहाँ गरीबों की हर तरह से संभव मदद यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा दी गई है। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएं यहाँ बाकी है, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर जो कि यहाँ पर निर्मित नहीं है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। एक जो प्रमुख समस्या यहाँ सामने आई है वो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है, जिसका निर्माण कार्य काफ़ी समय से लंबे समय से यहाँ चलता आ रहा है, लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग इस गांव में ऐसे मौजूद हैं जो उससे आड़े रोड़ा बनकर खड़े हैं। हालांकि यहाँ लोगों की और ग्राम प्रधान की काफ़ी कोशिशें रही हैं इस सब का निवारण करने में, लेकिन अभी तक शासन या प्रशासन किसी भी तरफ से कोई भी जो है यहाँ पर आराम सुविधा या किसी भी तरह का शिकायत का निवारण यहाँ उनकी तरफ से नहीं मिल पाया है। अशोक अली के साथ मुनाजिम टुडे 24। आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम आखिल हुसैन है, मैं अकबरपुर गहरे का रहने वाला हूँ जी। पहली बार पूरे 24 धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव में आए जी और हमारे गांव की समस्याओं को देखा और जो विकास कार्य है उन्हें देखा और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जानना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर 5 साल लगभग पूरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल को, तो विकास कार्यों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ विकास कार्य अकबरपुर गहरा में 90% जो है हो चुका है और बाकी तो कमी होती रहती है जी जी। और ये भी जो आने वाला टाइम है उम्मीद है कि आगे समय रहते पूरे अभी तो 2-3 महीने हैं, उसमें भी जो काफ़ी काम मिलेगा। प्रधान जी के कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट? प्रधान जी के कार्यकाल से पूरा गांव पूरी जनता से संतुष्ट है जी। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरह का विकास यहाँ पर होता नजर आएगा? हाँ, हर ग्रामवासी की यही होती है कि अच्छा प्रधान बने हमारा, अच्छा विकास हो और लोगों को सुविधाएँ मिलें।